हेलो फ्रेंड्स टुडे आवर टॉपिक इज एरिया ऑफ अ सर्कल हम सबको पता है कि एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बट बहुत सारे लोगों को इसका प्रूफ नहीं पता होता है कि हाउ कैन वी प्रूव दिस द एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर सो टुडे वी विल लर्न हेयर ओके इसके लिए हमने एक पेपर का कट लिया है एक सर्किल है जिसका कि रेडियस आर है इस सर्किल को हमने एट पार्ट्स में डिवाइड किया है वन टू एट पार्ट्स एंड आफ्टर कटिंग ऑल द एट पार्ट्स मैंने इसको दोबारा यहाँ पर प्लेस किया है सपोज वन को मैंने आप इससे कंपेयर कर सकते हैं दिस पार्ट को मैंने यहाँ प्लेस किया है टू को प्लेस किया then again three and so on. And है देन अगेन थ्री एंड सो ऑन एंड जो एट्थ पार्ट है बेसिकली इस दोनों स्टेट लाइन को हमने वर्टिकली बिकॉज आप ये देखेंगे पार्ट टू के दोनों साइड्स जो है ये एक एंगल पे है बट टू मेक इस वर्टिकली डाउन और इसको मैं वर्टिकली स्ट्रेट बनाने के लिए इस एट पार्ट को मैंने दो पार्ट में कट करके हाफ पार्ट को मैंने राइट right साइड में एंड हाफ पार्ट को हमने लेफ्ट साइड में लगाया बट जो टोटल एरिया ऑफ दिस एट पार्ट आप देख सकते हैं जो ग्रीन एरिया है यही सीट को इस पेपर पे पेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ दिस सर्किल और ये एरिया ऑफ दिस पोर्सन विल बी इक्वल राइट अब हमें एरिया ऑफ दिस सर्किल निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ दिस पोर्सन को निकालना पड़ेगा दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए रेक्टेंगल एक्सेप्ट वन थिंग कि इसका जो ये साइड्स है curves, this, this ये क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हाउ कैन वी से एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज दिस लेंथ बाय दिस बट उससे पहले इसको हम ये देखते हैं कि Why this length is equal to pi r. आप देखिये है, है या टॉप में है एंड इट इज इक्वल इन मैगनीट्यूड तो जो टोटल सर्किल होता है that is 2 pi r. तो आप एवरी पार्ट का जो दिस इज कर पोर्सन है सपोज वन थ्री फाइव सेवन टू फोर सिक्स एंड एट तो चार

सपोज इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस सर्किल को और भी यहाँ पे मैंने एट पार्ट्स में किया था यहाँ पे मैंने सिक्सटीन पार्ट्स में डिवाइड किया है अब आप देख सकते हैं कि सपोज अगर इसका जो सपोज ये टू है इसका कर्वेचर लाइक दिस जब इसको मैंने सिक्सटीन पार्ट में किया तो ये इसकी लेंथ छोटी हो गई लाइक दिस थर्ड पॉइंट में ये इसका हाफ हो जाएगा देन फर्दर लाइक दिस ये छोटा होता जाएगा अल्टीमेटली ये एक पॉइंट बन जाएगा एंड इनफाइट सपोज मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दूं इस सर्कल को तो ये इट विल बी लाइक दिस तो इट इज नथिंग बट ए स्ट्रेट लाइन बट जो कॉन्सेप्ट मैंने ये बोला कि टोटल कर्वेचर पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टू पाई आर तो सिमिलरली अगर मैं इसको इनफनाइट पार्ट में करूं तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल बनेगा जिसका कि अपर साइड विल बी पाई पाईआर एंड दिस साइड इज हमने देखा यहां पर इन दिस वे वी कैन प्रूव द एरिया ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा इसके अलावा कि इसको हम एक डिफरेंट मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं कि हाउ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज बायर स्क्वायर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू